चलो बेटा, तो इलस्ट्रेशन नंबर 10, इसमें आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स रेस टू 1/2। इसमें आपको अल्फा की वैल्यू भी दी है, देखो कितनी है, 800 एक्स रेस टू 1/2। आपको क्वेश्चन में यह भी बोला है वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारा का सारा एक्स डायरेक्शन में ही है। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नहीं है? वाई डायरेक्शन का फील्ड नहीं है, जेड डायरेक्शन का फील्ड नहीं है, ईवाई ईजेड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, अल्फा एक्स रेस टू 1/2 या फिर 800 एक्स रेस टू 1/2। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नहीं है? भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में दिया हो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला दी है 800 एक्स रेस टू 1/2। ये एक्स में हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स के बदले जीरो पुट करो, जीरो मतलब बेटा ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। एक्स के बदले वन पुट करो, 800 मतलब अगर आप यहां पे एक्स एक्सिस पे 1 मीटर दूर आते हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 800। एक्स के बदले एक काम करो, 4 पुट करो, स्क्वायर रूट ऑफ 4 1600 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। 9 पुट करो, 16 पुट करो, बेटा जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है। अब बताओ यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। डायरेक्शन बेटा सेम है, एक्स डायरेक्शन में ही है, लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, सही है? ओके, तो ऐसी कंडीशन में मैंने यहां पे एक क्यूब ले लिया है, बराबर। ये क्यूब का जो फर्स्ट फेज है ये वाला, वो ओरिजिन से ए जितना दूर है। मुझे क्यूब की साइड भी दी है ए, तो बताओ ये क्यूब का जो सेकेंड फेज होगा ये वाला, वो कितना दूर होगा? 2a जितना दूर होगा ओरिजिन से। फर्स्ट फेज बेटा a जितना दूर है, सेकेंड फेज 2a जितना दूर है, समझ में आ रहा है? ओके, चलो नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है कि यहां पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन का, उसकी वजह से ये मेरे क्यूब में से कितना फ्लक्स पास होता है। हाँ, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों एक जैसी होती, तो मैं डायरेक्ट बोल देता जीरो, क्योंकि जितना फ्लक्स इनवर्ड डायरेक्शन में होगा उतना ही फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन यहां पे होगा क्या? जो फर्स्ट फेज है वो तो नजदीक है बेटा, एक्स की वैल्यू कम है उसके लिए, जो सेकेंड फेज है उसके लिए एक्स की वैल्यू ज्यादा है। जहां पे एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे फील्ड ज्यादा होगा, जहां पे फील्ड ज्यादा होगा वहां पे फ्लक्स ज्यादा होगा। तो इस फेज के लिए फ्लक्स ज्यादा होगा, इस फेज के लिए फ्लक्स कम होगा, तो फ्लक्स अलग अलग हुआ, नेट फ्लक्स जीरो नहीं हो पाएगा इसमें, समझ में आ रहा है? चलो, मैं सिर्फ दो फेज की बात नहीं कर रहा, मैं एक और यहां पे ले रहा हूं। देखो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। एबीसीडी सरफेस आपको दिखाई दे रहा है? ये एबीसीडी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल है। एबीसीडी फेस बेटा कौन से प्लेन में? एक्स जेड प्लेन में। एंड ये एक्स जेड प्लेन एक्स एक्सिस से पैरेलल ही कहलाता है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एबीसीडी के लिए पैरेलल, पैरेलल फील्ड लाइन मतलब फ्लक्स क्रॉस तो हो नहीं रहा, बराबर। अच्छा, वैसा ही उसके जैसा ही ये भी है, देखो ई एफ जी एंड एच बिल्कुल इससे पैरेलल ऊपर। तो मैं बोल सकता हूं कि ये ई एफ जी एच सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल, फ्लक्स जीरो, क्लियर है ना? नेक्स्ट फेस देखो ए बी एफ ई, ए बी एफ ई ये एक्चुअली बेटा एक्स वाई प्लेन से पैरेलल है, बराबर, ऐसा प्लेन है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, वो भी पैरेलल हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए बी एफ ई से पैरेलल है तो फ्लक्स जीरो,
वैसा ही प्लेन डी सी जी एच, वो तो एक्स वाई प्लेन में ही है, तो एक्स एक्सिस से पैरेलल, मतलब फ्लक्स जीरो। टोटल चार सरफेस हो गए बेटा। कौन से चार सरफेस? देखो मेरे पास यहाँ पे एक क्यूब है, ये वाला, बराबर ऐसे रखा है मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिरेक्शन में है, तो ये वाले फेज में से फ्लक्स पास नहीं होगा, ऊपर वाले फेज में से, इस साइड वाले फेज में से एंड नीचे वाले फेज में से, तो ये चार में से तो कोई फ्लक्स पास होगा नहीं, सिर्फ दो फेज बचे, एक ये वाला एक ये वाला, सही है? ठीक है, तो बस मैं वही दोनों के लिए फ्लक्स फाइंड करने वाला हूँ। एंड पहले ये चारों के लिए लिख रहा हूँ कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेसेस, चलो कौन से सरफेसेस है, एक है ए बी सी डी, दूसरा है ई एफ जी एच, चलो तीसरा है ए बी एफ ई, एंड लास्ट वन डी सी जी एच बराबर इज जीरो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस सरफेस, चलो कौन सा सरफेस है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला ले रहा हूं, ए डी एच ई, समझ में आ रहा है? मुझे इसके साथ देखना है। अब बताओ बेटा ये जो मैंने सरफेस बोला है ए डी एच ई, उसका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव एक्स के नेगेटिव एक्स? अच्छा, जब भी बेटा आपको क्यूब देते हैं, हम बेटा क्यूब में अंदर जाकर नहीं देखते हो क्या हो रहा है, हम बाहर से ही देखते हैं, बराबर ना? अब बताओ ये वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होगा, यहां से लेफ्ट साइड होगा, प्रॉपर क्यूब है, क्यूब की साइड है ए, तो बताओ इसका एरिया क्या बनेगा, ए स्क्वायर, बराबर ना? ए की वैल्यू भी बेटा आपको लास्ट में दी है 0.1 10 रेस टू माइनस 1 मीटर, चलो सही है। ओके, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एरिया वेक्टर फॉर दी सरफेस एट लेफ्ट हैंड साइड, बोलो कितना होगा एरिया इसका, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 10^-1 स्क्वायर कर दो तो 10^-2 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया होगा लेफ्ट साइड। अच्छा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अच्छा ये वाला फेज एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ए, तो हम क्या करेंगे यहां पे एक्स के बदले ए पुट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया 800 a^2 1/2, समझ में आया पक्का? अभी हम बेटा सारी की सारी वैल्यू ए के फॉर्म में ही ले रहे हैं, सही है ना? ओके, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है फर्स्ट फेज पे, अब बताओ कितना फ्लक्स उसमें से पास हुआ, तो फॉर्मूला है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, लेफ्ट हैंड साइड के लिए है तो ई एल ए एल, एरिया वेक्टर कौन से डायरेक्शन में था, लेफ्ट साइड, एंड यहां पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारा का सारा इस डायरेक्शन में ही है, तो एंगल कितना बना इसके लिए 180, तो हम यहां पे लिखेंगे ई एल ए एल कॉस 180, बताओ ई एल की वैल्यू 800 a^2 1/2, बताओ ए एल की वैल्यू ए स्क्वायर कॉस 180, तो आगे माइनस लिख रहा हूं, ये हो गया फाइ एल, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट है, अब फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस, कौन सा सरफेस रहा अब, बी सी जी एफ, सही है, रखो ना ऐसे अच्छा लगता है। नेक्स्ट बताओ इसके लिए एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, सही ना, सरफेस से परपेंडिकुलर, तो ये हो गया ए आर वेक्टर। अच्छा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में है, एंगल कितना बना 0,
जीरो. अच्छा पहले ये देख लेते हैं एरिया कितना है, उतना ही होगा स्क्वायर. अच्छा देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना आया, तो पहले ये देखो ये सरफेस कितने डिस्टेंस पे है, ए ए टू ए, तो एक्स के बदले क्या करेंगे हम टू ए पुट करेंगे, तो यहां पे आपको मिलेगा 800 टू ए रेस टू वन बाय टू. समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि टू की पावर भी वन बाय टू है, ए की पावर भी वन बाय टू है. 2 की पावर 1 बाई टू मतलब रूट टू, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं 800 रूट टू इंटू ए रेस टू 1 बाई टू. समझ में आया. नेक्स्ट फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस एट राइट हैंड साइड फॉर्मूला है अपने पास ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर आर आर. चलो ई वेक्टर एंड ए वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना था, तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो बोलो फाइ आर क्या मिलेगा, ई आर क्या है 800 रूट टू ए रेस टू वन बाई टू, ए आर क्या है ए स्क्वायर एंड कॉस जीरो, तो ये आपको मिला बेटा फाइ आर. क्लियर, दोनों सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो मिल गया, सही है. ये फ्लक्स नेगेटिव मिला, सिंपल सा रीजन है कि फ्लक्स ये क्यूब में अंदर आ रहा है, वो वाला फ्लक्स पॉजिटिव मिला उसमें से बाहर जा रहा है. क्लियर है. अब हम देखेंगे टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस क्यूब, सॉरी टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब, तो फाई एल प्लस फाई आर. देखो फाइल क्या था, माइनस 800 इंटू ए रेस टू वन बाई टू इंटू ए स्क्वायर प्लस फाइव आर क्या है 800 रूट टू इंटू ए रेस टू वन बाई टू इंटू ए स्क्वायर. दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, देखो 800 ए स्क्वायर इंटू ए रेस टू वन बाई टू, यहां पे क्या बचा रूट टू बचा. अच्छा यहां पे क्या बचेगा माइनस वन, सही ना. एक काम करो अब यहां पे ए की वैल्यू पुट कर दो, चलो क्या मिलेगा 800 इंटू ए, ए की वैल्यू है 0.1, 0.1 मतलब 10^-1, 10^-1 का स्क्वायर करो 10^-2, समझ में आ रहा है ओके, इंटू 0.1^1/2, समझ में आया ना. ए की वैल्यू है बेटा 0.1, 0.1 मतलब 10^-1, 10^-1 का स्क्वायर करो तो 10^-2, ए के बदले मैंने 0.1 लिखा है. अच्छा रूट टू की वैल्यू होती है 1.41, 1.41 माइनस 1 0.41 बराबर 800 इंटू 10^-2 8, तो 8 इंटू 0.41 एंड 0.1 का स्क्वायर रूट करो, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन ले लो 8 इंटू 0.41 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 1.03 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब. इतना टोटल फ्लक्स नेट फ्लक्स इसके साथ लिंक हो रहा है, बाहर निकलने वाला फ्लक्स ज्यादा था अंदर आने वाला फ्लक्स कम था. फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाहर निकलने वाला फ्लक्स ज्यादा है अंदर आने वाला फ्लक्स कम है, तो नेट चार्ज पॉजिटिव निकला कि नेगेटिव निकला बराबर कितना, तो क्या करना है लास्ट में बेटा फाइ इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कर देना है, क्यू को सब्जेक्ट करो तो आपको पता चलेगा नेट एंक्लोज्ड चार्ज कितना है, एक वो आपको पॉइंट फाइंड करना था. आएगा पक्का, कोई डाउट है?